तो ये है जी 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ऋषि सुनाक का घर इनके प्राइम मिनिस्टर का घर। तो जी ये देख लो बकिंगम पैलेस का, ये है सारा, और ये गेट है उसके अंदर जाने के लिए। कहूँ लंदन में तो जगह जगह यहाँ ये बॉक्सेस बने हुए हैं टेलीफोन बूथ की तरह, जिसमें लिखा हुआ है वाईफाई फ्री, वाईफाई हियर। लो जी स्वागत है लंदन के ताज़े दिन में। खड़ा हूँ यहाँ टेनर्स लेन अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन के सामने, और मैं यहाँ से जाने लगा हूँ बहुत पॉपुलर साइट लंदन की, जो सबसे नंबर वन टूरिस्ट साइट है, वो है बकिंगम पैलेस। यहाँ टिकट खरीदने के लिए इंडिया का डेबिट या क्रेडिट कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हो। आज मैं यूज़ कर रहा हूँ ओइस्टर कार्ड। ओइस्टर कार्ड यहाँ की लंदन ट्यूब में चलने वाला कार्ड है। इसकी जो कीमत है वो है 7 पाउंड की। आप यहाँ से स्टेशन के अंदर से भी ले सकते हो, पैसे डलवाओ और इजीली सफ़र करो। अच्छी बात ये लगी कि स्टेशन में वाईफाई है और न्यूज़पेपर्स पड़ी हुई हैं, आप यहाँ से कोई न्यूज़पेपर उठा के लेके जा सकते हो। तो जी मुझे जाना है बकिंगम पैलेस, उसके लिए मुझे ग्रीन पार्क तक जाना है। अब दो तरीके हैं ग्रीन पार्क जाने के, एक तो डायरेक्ट ट्रेन जाती है रेनर्स लेन से ग्रीन पार्क, ये छोटी ट्रेन होगी पिकाडेली लाइन जिसको बोलते हैं। एक है मेट्रोपॉलिटन, उसके लिए मुझे पहले रेनर्स लेन से जाना पड़ेगा फिंचली रोड, यहाँ से चेंज करके फिर ग्रीन पार्क जाना पड़ेगा। कौन सी ट्रेन्स होती हैं पिकाडेली ट्रेन? ये छोटी छोटी ट्रेन होती हैं, छोटी छोटी जिसमें मैं आया था। तो अभी कह रहे हैं खड़ी हुई आपको दिखाता हूँ। तो दो तरह की ट्रेन्स होगी, एक तो पिकाडेली और एक है मेट्रोपॉलिटन ट्रेन। तो ये है जी मेरे लेफ्ट में मेट्रोपॉलिटन, देखने में ये एकदम बड़ी लग रही है, एकदम बहुत बड़ी है। जो पिकाडेली है वो तो छोटी सी है, वो भी आगे दिखेगी। लो जी ग्रीन पार्क स्टेडियम में उतर गए हैं, और आपको एक बहुत अच्छी डिसिप्लिन लाइन बता रहा हूँ। ये देखो सब खड़े हुए हैं एलिवेटर पे, और सब के सब राइट में लाइन लगा कर खड़े हैं, कोई लेफ्ट में नहीं खड़ा हुआ, ताकि लेफ्ट में जाने वालों के लिए रास्ता छोड़ा हुआ है और किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा की तरह जो कार्ड आपने स्वाइप इन किया है उसी से आपने स्वाइप आउट करना है बाहर निकलते हुए। अगर कोई और कार्ड यूज़ कर लिया या इसको अगर मैंने स्वाइप आउट नहीं किया तो मेरे को पेनल्टी लगेगी, पूरे ट्रिप की टिकट पड़ेगी मेरे को। बकिंगम पैलेस लेफ्ट में पड़ेगा। यहाँ से मेरे ख्याल से 10 मिनट चल के जाने का रास्ता है बकिंगम पैलेस में। आज है प्लेजेंट, एकदम 13 डिग्री सेल्सियस है। अक्सर पिछले 2 दिन से यहाँ 3-4 डिग्री था, लेकिन आज वाकई में प्लेजेंट है। तो जी अगर आप लंदन में हो ना, तो आप अपनी शुरुआत जो लंदन घूमने की है वो बकिंगम पैलेस से ही करोगे। बकिंगम पैलेस सेंट्रल लंदन का सेंटर पॉइंट है, और यहाँ ही आसपास आपको मैं और भी कई चीज़ें दिखाऊंगा, क्योंकि बेसिकली बकिंगम पैलेस के अगर लेफ्ट में जाऊंगा तो डाउनिंग स्ट्रीट आ जाएगी, जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस है। राइट हैंड साइड की तरफ जाऊंगा तो सेंट जेम्स पार्क आ जाएगा, मार्बल पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग है यहाँ आसपास ही देखने वाली। और हाँ, थोड़ा सा चलने पर लंदन आई ब्रिज, नाई ब्रिज वो भी देखेगा, वहाँ मैं कोशिश करूँगा जाऊँगा शाम को, क्योंकि ये जो ब्रिजेस होते हैं ना बड़े बड़े, ये लाइटों के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो जी ये देख लो बकिंगम पैलेस का, ये है सारा, और ये गेट है उसके अंदर जाने के लिए। तो कि यहाँ ना पैलेस में चेंजिंग ऑफ गार्ड सेरेमनी होती है रोज़ सुबह 11 बजे। तो ये होती है मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और संडे को। तो जो आपने क्वींस के गार्ड्स देखे होंगे ना, जो लाल यूनिफॉर्म में, जो लाल कपड़े वपड़े डाल के जो वो परेड करते हैं, वो यहीं होती है, ठीक है। तो इस जगह परेड होगी, लेकिन होती है सुबह 11 बजे और ये परेड चलती है 45 मिनट तक के लिए। तो इनको देख पा रहे हो ना, यहाँ गार्ड खड़े हुए हैं, इनके क्वींस गार्ड्स जिसको कहते हैं हम, वो ये कोई, ये एक बंदा ये खड़ा हुआ है, एक उधर खड़ा हुआ है।
तो ये मतलब स्टैंड स्टिल पोजीशन में खड़े हैं। अगर ये अपना हाथ भी हिलाता है ना बंदा, जैसे थक थक जाते हैं यार, तो बड़े स्टाइल में हिलाते हैं ये हाथ सीधा, ये नहीं नॉर्मल लोगों की तरह एक्ट नहीं करते ये, जैसे रॉबर्ट होते हैं ना बिल्कुल वैसे ही। डिफरेंट सी चीज़ बताता हूँ, ये बकिंगम पैलेस है और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ये गेट बना हुआ है। इस गेट को कहते हैं कैनेडा गेट और सेम टू सेम राइट में यहाँ एक गेट बना हुआ है, इस गेट को कहते हैं ऑस्ट्रेलियन गेट। मैं बता सकता हूँ जो ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा है वहाँ भी रूल यहाँ की क्वीन का चलता है। लो जी, अब मैं यहाँ से आपको लेके जाने वाला हूँ एक और सामने टूरिस्ट साइट पड़ती है, उसको कहते हैं वेस्टमिंस्टर पैलेस। यहाँ की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है ना उसको कहते हैं वेस्टमिंस्टर पैलेस, और उसी पैलेस के साथ एक बिग बेन टावर है। यहाँ से मेरे ख्याल से 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। अब इस मैप में आपको बड़ा अच्छा अच्छा बता देता हूँ, ये बकिंगम पैलेस, मैं यहाँ से चलता हुआ आ रहा हूँ और इस वक्त यहाँ हूँ। सीधे चलते रहेंगे ना तो यहाँ पार्लियामेंट स्क्वायर आएगा, और यहाँ बिग मैन बिल्डिंग है जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है इंग्लैंड की, जिसको बिग मैन कहा जाता है, ठीक है। और इस तरफ एकदम अपोजिट में यहाँ हॉर्स गार्ड परेड होती है, मतलब जो सेरेमनी होती है ना सुबह 11 बजे बकिंगम पैलेस में, वो यहाँ भी होती है हॉर्स गार्ड परेड में। और ये जो पूरा पार्क है सेंट जेम्स पार्क है ये वाला, जिसमें से अभी हम यहाँ से निकलते हुए आ रहे हैं। और इस तरफ ये चर्चिल म्यूज़ियम है, ये मतलब जो भी है मुझे अभी यहाँ वॉक करते करते जाना है, और इसके बैक साइड पे बाकी चीज़ें सारी देखेंगे। ये जो पतली पतली गलियां ना ऐसी, और आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ये देखो ये बिल्कुल ये यूके की निशानी है। अक्सर जब भी हमने यूट्यूब में वीडियोस में यूके को देखा तो यही देखा था सारा, ऐसी गाड़ियां देखी हैं और ऐसी ही रोड्स देखी हैं। यार अभी मैं यहाँ गूगल में सर्च कर रहा था तो मेरे को पता लगा जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका घर भी यहीं है लेफ्ट में, कुछ मतलब 2-4 मिनट का रास्ता होगा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो उनका घर है, यही डाउनिंग स्ट्रीट है ये वाली पूरी। और ये मेरे सामने पिगमेंट टावर आ गया बना, यहाँ पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ डाउनिंग स्ट्रीट में भी, क्या पता बाहर खड़े हुए प्राइम मिनिस्टर मिल जाए ऋषि सुना तो ये है जी अगली बहुत मशहूर साइट पिगमेंट टावर, और यहीं कहीं पार्लियामेंट बिल्डिंग भी होगी, तो शायद ये वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग होगी। और ये है लंदन की बड़ी फेमस डबल डेकर बसेस। अजीब सी बात बता दो, ये पीछे लाइन लगी हुई है ना मेरे, ये देखो कितने 20-25 बंदे खड़े हुए हैं। एक्चुअली ये सारे बंदे खड़े हुए हैं, वो जो टेलीफोन का बूथ है ना उसके ऊपर खड़े होकर वो फ़ोटो खिंचवाएंगे ताकि पीछे बिग बैन टावर आएगा। तो मतलब ये देखो सारे कैसे लाइन से एक एक करके बंदा फ़ोटो खिंचाता है, पीछे हट जाता है। तो भाई ये है बिग बैन टावर, ये इस तरफ है पार्लियामेंट बिल्डिंग जिसको वेस्टमिंस्टर पैलेस भी कहते हैं, और ये लेफ्ट में ये डाउनिंग स्ट्रीट पड़ती है, और इसी में आगे 2 मिनट के रास्ते पर प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ के हैं ऋषि सुनाक, उनका घर भी पड़ेगा। यहाँ से 2-4 मिनट का चलने का रास्ता, मैं वहीं जा रहा हूँ अभी। भाई ये है ऋषि सुनाक, ये एक्चुअली कैबिनेट वॉर रूम्स हैं, यहाँ जो उनकी कैबिनेट मीटिंग्स होती है ना वो यहाँ अटेंड करते हैं। और एक अच्छी बात लगी कि सिक्योरिटी खड़ी हुई है, वही 2-4 बंदे खड़े हैं, लेकिन कोई किसी को कोई रोक नहीं है कि मूवी नहीं बनानी, कैमरा वैमरा ये वो, फोटो वोटो कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। चलो खैर अच्छा लगा। अभी जो उनका घर है ना वो आगे यहाँ से लेफ्ट में पड़ेगा। अरे यार ये कितनी अच्छी चीज़ बनी हुई है नीचे, वाह कितना कलरफुल, सही क्या है, फूल हैं कि क्या है ये।
ये है द ग्लोरियस रेड। ओके, जो ग्लोरियस रेड एक्चुअली कल यूके का रिमेम्बरेंस डे था, जो जो यहाँ लोग शहीद हुए हैं ना यूके के लिए वर्ल्ड वॉर में, शायद अलग अलग वॉर्स में उनके नाम पर ये बनाया हुआ है। ये ये है जी 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ऋषि सुनाक का घर इनके प्राइम मिनिस्टर का घर। वही जैसा मैंने बताया, अच्छी चीज़ ये लगी कि अरे वो देखो ना, उनके घर के बाहर खड़े हुए हैं लोग, और यार कितना फ्री एनवायरनमेंट है कि लोग फ़ोटो ले रहे हैं उनके घर के सामने, कोई पुलिस वाले खड़े हैं, कोई किसी को कोई रोक नहीं रहा, मतलब लाजवाब है यार, हैरानी की बात है। वो देखो उनके जितनी प्रेस बार खड़ी है, वो जो देखते होते हैं ना घर उनका, वो अगर पता नहीं आपको दिख रहा होगा कैमरा में, लेकिन वो वहीं खड़ी हुई है और वो उनके घर का दरवाज़ा लग रहा है लेफ्ट में। वाव, और ये सिक्योरिटी खड़ी हुई है भाई, देखो लोग फ्रीली कैसे फोटो ले रहे हैं यार, कोई रोक टोक नहीं है, कोई कुछ नहीं। भाई ये जो है, ये है हॉर्स गार्ड सेरेमनी, जो सुबह सुबह चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी होती है ना बकिंगम पैलेस में, उसमें एक घोड़ों की सेरेमनी भी होती है, वो यहाँ होती है, एकदम ऑपोजिट है, मतलब उस लोकेशन से मैं 10 मिनट की दूरी पर हूँ। ये मेरे ख्याल से अभी अभी सेरेमनी ख़त्म हुई है यार। Hi. Hello, sir. What time does the ceremony happen? It happens on the hour between 10 and 4. Between 10 and 4? Yeah. So every hour. Between 10 and 4. So next is at 3 o'clock? Yes. Thank you, sir. Thank you. Take care. So, भाई 10 बजे से लेकर 4 बजे तक हर एक घंटे में ये सेरेमनी होती है, गार्ड्स बाहर निकलते हैं, और ये 5-10 मिनट की सेरेमनी, क्योंकि अभी 2:06 हुए हैं और ये सेरेमनी हो चुकी है। ये कितने फ्रेंडली गार्ड थे देखा आपने, मैंने पूछा और बड़े हंस के भाई साहब ने बताया, बड़े हंस के, कोई परेशानी नहीं है उनको बताने में। चलो खैर, तो अभी अगली सेरेमनी होगी 3 बजे, हम 3 बजे आएंगे उनको देखने के लिए। तो भाई ये लोकेशन पता कौन सी है, हमें बताता हूँ, मैं चलता हुआ आ रहा हूँ वो राइट से, और वो राइट में उधर डाउनिंग स्ट्रीट है जो उनके प्राइम मिनिस्टर का घर है, और उसी से चलते चलते सीधा आ जाओगे तो यहाँ आपको ये पैलेस दिखेगा, इसके अंदर सेरेमनी होती है। इंटरनेट मैंने अभी तक यहाँ कोई सिम कार्ड नहीं लिया है यूके में, क्योंकि एयरपोर्ट पे काफ़ी महंगा था, 35-40 pounds का। तो खैर अभी मेरे पास कोई इंटरनेट नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि घूम रहा हूँ लंदन में, तो जगह जगह यहाँ ये बॉक्सेस बने हुए हैं टेलीफोन बूथ की तरह, जिसमें लिखा हुआ है वाईफाई फ्री, वाईफाई हेयर, तो यहाँ आप आके इनके साथ वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। आपको ये बहुत से मिलेंगे, ये टेलीफोन बूथ बने हुए हैं, ये बूथ मिलेंगे। और ये वाली टैक्सी देखो यार, ये पक्की निशानी है कि यूके की टैक्सी, और आप यूके में हैं। लो जी मैं बैठा हूँ अभी नेशनल गैलरी के सामने, ये सारा एरिया है ये वाला, और जस्ट अभी क्या किया मैंने, कुछ सैंडविच खा के बैठा हूँ जो मैं घर से बना कर लाया था, बस चीज़ सैंडविच, चीज़ सब्जियाँ और जलेपिनोस, बस वही हमारा जो होता है ना फॉरन में जाके। दिक्कत ये होगी है कि मैं इस बार पानी की बॉटल लाना भूल गया इंडिया से, और मेरे को खैर ये रास्ते में पता लग गया था जब मैं कतर में पहुंचा था दोहा में, कि मैं बॉटल भूल आया हूँ, कि मैं बाहर से तो पानी वानी तो मैं कम ही खरीदता हूँ, हमेशा बॉटल रखता हूँ, रीफिल करता हूँ। और मैं पूरे 3 बजे यहाँ के खड़ा हो गया हूँ, और यहाँ एक सेरेमनी शुरू होने लगी है इस जगह, और ये गार्ड सेरेमनी होगी यहाँ इस जगह, शायद जो सेरेमनी होगी ना घोड़ों के साथ होगी। तो ये कहते हैं कि पीछे पीछे हट जाओ, शुरू होने लगा है मामला।
तो जी ये थी सेरेमनी, हॉर्स गार्ड चेंजिंग सेरेमनी कहते हैं। जो ये बाहर घोड़े वोड़े पड़े हुए ना, एक एक घंटे के लिए यहाँ बैठते हैं, उसके बाद इनकी जगह दूसरे नए गार्ड्स आ जाते हैं। यार मैं घूमते घूमते यहाँ दोबारा आ गया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हलचल काफ़ी बढ़ चुकी है यहाँ, कुछ धरने वरने जैसा भी प्रोग्राम शुरू होने लगा। ये फलस्तीन का झंडा लेकर भाई साहब खड़े हुए हैं और यहाँ ये रिपोर्टर्स खड़े हो गए हैं। लंदन में ना ऐसी बसेस बहुत चलने वाली आपको मिलेंगी जो कि हॉप ऑन हॉप ऑफ की तरह होती हैं, और इसकी खासियत ये होती है कि इनमें चढ़ जाओ, रास्ते में जौन सा स्टॉप आपको अच्छा लगे वहाँ उतर जाओ, दोबारा उसी स्टॉप पर आके खड़े हो जाओ, इनकी दूसरी बस आके आपको ले जाएगी। तो ये बसेस काफ़ी अलग अलग कंपनीज है जो यहाँ चलती हैं। कुछ कुछ मेजर जो पॉपुलर हैं वो है bigbus.com और फिर है citysightseeingtours.com जो मैंने साउथ अफ्रीका में ली थी, और कुछ बाकी यहाँ लोकल एजेंसीज हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोकल वाली लें, उनकी यहाँ टिकट सस्ती पड़ेगी। जो मुझे सुनने में आया कि 10 या 15 पाउंड में एक दिन की आपको टिकट का यहाँ इनका प्राइस मिलेगा। और ये इस तरफ लंदन आई आप देख रहे हो, ये जो झूला सा बहुत बड़ा बना हुआ है। जी मेरे सामने लंदन आए, अरे रिक्शा पड़ी हुई है भाई, और इस रिक्शा का क्या रेट है कि लंदन आई घूमने का 20 पाउंड, 2000 रुपये। बकिंगम पैलेस जाने का 20 पाउंड, उसके भी 2000 रुपये, तो मतलब 20-30 पाउंड है इस रिक्शा के। और काफ़ी अच्छी है, सजी सजाई, लेकिन ये मोटर से चलने वाली है रिक्शा। तो ये है जी मेरे सामने यहाँ लंदन आए, ये है वेस्टमिंस्टर ब्रिज। तो भाई ये जो लंदन आई है ना, इसके सामने ये जो नदी चल रही है, इसको कहते हैं थेम्स रिवर। आपने नाम बहुत सुना होगा, थेम्स रिवर ब्रिज, थेम्स रिवर, तो वो यही। भाई वो बिग बेन है ना, हम उधर से आ रहे हैं। तो ये है वेस्टमिंस्टर ब्रिज, और इसके यहाँ से चलना शुरू करोगे सीधा 5-10 मिनट में आगे लंदन ब्रिज दिखेगा, और ये लंदन आई है। तो एकदम लंदन आई के पास पहुँच चुका हूँ मैं, ये देखो ये कितना नीचे ही खड़ा हूँ इसके, और यहाँ से वाकई बड़ा लग रहा है यार देखने में। ये पूरा एक सर्कल ख़त्म होता है आधे घंटे में। अब मैं आपको टिकट्स का रेट बताता हूँ कि क्या क्या है। यहाँ टिकट ऑफिस भी बना हुआ है इस तरफ, और आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ। उस टिकट ऑफिस में आप हर तरह की टिकट ले सकते हो, लंदन आई ब्रिज की ले सकते हो, अंदर जो रिवर क्रूज चलते हैं उसकी ले सकते हो, और जो इनके बिग बस टूर्स चलते हैं ना, उसकी भी टिकट यहाँ से अंदर से मिलती है। तो अब यहाँ जैसे स्क्रीन्स बनी हुई हैं, अब यहाँ से आपको दिखाता हूँ बाय टिकट, और आपने सिंगल अट्रैक्शन टिकट लेनी है तो इसको क्लिक करो, और कौन कौन सी, जैसे लंदन आई का है 45 पाउंड, मैडम टुसाड्स जो जिसमें पुतले बने हैं वो 47 पाउंड की टिकट है, और जो बिग बस टूर की है वो 41 पाउंड की। और लंदन आई में भी ना अलग अलग तरह की टिकट्स है, जैसे लंदन आई में साथ में अपनी शैंपेन लेनी है, या इसका रिवर क्रूज लेना है सिर्फ लंदन आई का। लंदन आई की जो स्टैंडर्ड एंट्री वो 45 पाउंड की है, फास्ट ट्रैक 60 पाउंड की है, मतलब 60 पाउंड मतलब आपको वेट नहीं करना पड़ता होगा, यही होगा सारा। आप यहाँ चेकआउट करके अपने इंडियन कार्ड के साथ भी आप यहाँ पेमेंट कर सकते हो, यहाँ स्वाइपिंग करके। यहाँ से जो बिग बस की टिकट है ना, वो जैसे 45-50 पाउंड की मिल रही है। मैं सजेस्ट करूँगा कि लोकल वेंडर्स को पकड़ो, 15 पाउंड तक की आपको टिकट मिल जाएगी, वो भी वही चीज़ करेगी जो बिग बस टूर करेगी। तो जी ये है फेमस लंदन ब्रिज, इसके ऊपर ना चलने का एक रास्ता भी है साउथ वॉक की तरफ। तो ये जो इधर लोग चल रहे हैं ना, चलते चलते हम क्रॉस करके दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। तो ये रास्ता बना हुआ है। तो जी ये ऊपर आ चुके हैं हम लंदन ब्रिज के,
और जी ये वीडियो मैं यही एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।